सीजन 2 सीजन 1 की तरह ही बहुत ही बढ़िया था और हमें इसने बिल्कुल निराश नहीं किया। और वो जाते आते हमें ये भी बता गया कि सीजन 3 भी आने वाला है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ थ्योरीज के बारे में और जानेंगे कि क्या हो सकता है द फैमिली मैन सीजन 3 में। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले सबसे बड़ा और मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कोलकाता में क्या चल रहा है और सीजन 3 का मेन प्लॉट क्या होगा। सो सीजन 2 के एंड क्रेडिट सीन में हमने ये देखा कि 2020 में पूरा देश लॉकडाउन में जा चुका है, और इसी बीच कोलकाता में एक आदमी चाइनीज में कुछ टाइप कर रहा है। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो कोई अटैक प्लान कर रहा है। वो लैंग्वेज देख के ये बात तो साफ है कि सीजन 3 में चाइना का रोल होगा, जैसे सीजन 1 में पाकिस्तान, सीजन 2 में श्रीलंका थी, और इसके बाद अब सबसे बड़ा सीजन 3 में दुश्मन हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही चाइना ने कोरोना वायरस के जरिए असल दुनिया में भी अटैक करवा ही दिया है, तो शो में भी ये बात हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। पर वो एग्जैक्टली क्या करेंगे ये तो हमें नहीं पता, बस इतना अभी पता है कि प्रोजेक्ट का नाम ग्वान यू होगा। ग्वान यू एक मिलिट्री जनरल वॉरलॉर्ड था ल्यू ब्यू क्या ड्यूरिंग द लेट ईस्टर्न हान डायनेस्टी ऑफ चाइना। सो चाइना इसमें मेन दुश्मन हो सकती है। सो ये बात तो साफ है कि सीजन 3 में चाइना का रोल पक्का है। उसकी बात से तो अभी यही लग रहा है कि वो कुछ बड़ा धमाका प्लान कर रहे हैं, जो कि नागालैंड में असम्बल हो गया है और 2 दिन में अरुणाचल प्रदेश पहुँचने वाला है। अब इससे ये बात तो साफ हो गई है कि शो पूरे देश घूमेगा, पहले दिल्ली मुंबई, फिर सीजन 2 में चेन्नई, और अब सीजन 3 में नॉर्थ ईस्ट भी हमें देखने को मिलेगा। चलो इसी बहाने शो के साथ साथ हम भी थोड़ा घूम ले रहे हैं। अब एक हिंट देते हुए शो के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि जो आदमी अटैक प्लान कर रहा है उसने एक ब्लैक कैप पहनी होती है जिसपे एक टाइगर बना होता है। अब ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की और ये पता लगाया कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत से ट्राइब्स हैं जो ऐसे टैटू की प्रथा रखते हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही डेंजरस ट्राइब है नागालैंड का कॉन्याक्स। ये लोग हेड हंटर होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये म्यांमार बॉर्डर पर रहते हैं और 1870 में ब्रिटिश राज में इनमें से कई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिए गए थे, बट अभी भी कुछ रह गए हैं। और दूसरा एक ट्राइब है शांग ट्राइब इन सियोंगसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, जो भी टाइगर और लेपर्ड का टैटू यूज़ करते हैं। इस टाइप के एलिट मैन और वुमेन को ये टैटू बनाने का मौका मिलता है। सो सीजन 3 में हम श्री को अपने फर्स्ट पोस्टिंग नागालैंड वापस जाते हुए देखेंगे, और क्या होगा ये तो शो आने के बाद ही पता चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होगा जब श्री को शुची लोनावला का सच बता देगी। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही ला चुका हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये सवाल सीजन 1 के एंड में भी एक क्लिफहैंगर की तरह रह गया था, और अब भी इसका इस्तेमाल करके लटका दिया गया है। इस बार सूची श्री को बताने ही वाली होती है कि शो खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि सूची ने श्री को सब कुछ बता दिया होगा कि लोनावला में उसके और अरविंद के बीच में क्या हुआ, और इस पर जाहिर तौर पर श्री गुस्सा भी करेगा। पर यहाँ पे वो मेन बात रहेगी कि ये सच जान के क्या श्री सूची को डाइवोर्स देगा या फिर उसे माफ़ कर देगा। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो श्री उसको माफ़ कर देगा और अपनी फैमिली को नहीं तोड़ेगा। पर यहाँ पे शो में एक अलग एंगल लाने के लिए डाइवोर्स वाला सीन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट वो थोड़ा डाउटफुल है। अब ये सवाल आता है कि मेजर समीर का क्या हुआ और वो क्या करेंगे। ये सवाल तो साफ है कि मिशन जुल्फिकर और इस मिशन के फेल होने के बाद अब मेजर समीर फिर से कुछ नई चाल चल लेंगे और फिर से इंडिया को चोट पहुंचाना चाहेंगे। पर यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार वो सीधे श्री पर भी वार कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों प्लान उसी ने बर्बाद किए हैं। तो ये देखना तो बनेगा ही कि कैसे वो अब चाइना के साथ मिलके इंडिया पे अटैक करता है या फिर अपना अलग ही अटैक प्लान करता है, और सीजन 3 में हमें डबल अटैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो क्लाइंट मीटिंग के लिए सूची और अरविंद को लंदन भी जाना होगा, तो अगर वो गई तो वहाँ पर मेरे समीर पहले से ही है, जो कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा श्री को चोट पहुँचाने के लिए। सीजन 3 में हम एक और रास्ते पर्दा उठता देखेंगे, और वो होगा
करीम भट्ट का केस। सीजन वन में हमने ये देखा कि जब करीम भट्ट अपने साथियों के साथ बीफ अटैक करने जा रहा था, तब उसे श्री और उसकी टीम पकड़ लेती है, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक वो करने जा रहा है और करीम ही है जिसने काला घोड़ा पे ब्लास्ट किया था, और करीम का इनकाउंटर भी कर देते हैं। पर करीम जाते आते एक वीडियो बना लेता है जिसमें श्री दिख जाता है। अब सीजन टू में हमें ये पता चलता है कि श्री का वो वीडियो करीम की गर्लफ्रेंड अपलोड कर देती है, पर उसे टास्क एक घंटे में ही हटा देती है। और तो और सीजन टू में एक जर्नलिस्ट भी श्री से मिलने आता है, जो उसे धमकी देता है कि वो इसे एक्सपोज कर देगा। अब इससे तो ये जरूर पता चल रहा है कि इस बारे में भी सीजन थ्री में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और शायद श्री को फ्रेम कर दिया जाएगा करीम केस में। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये थी मेरी कुछ थ्योरी सीजन थ्री के लिए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कुछ थ्योरी है तो वो भी शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।